दोस्तों आज के आईफेक्टना के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंग्लिश के वर्ड चीफ के डिफरेंट मीनिंग क्या होते हैं और वर्ड चीफ़ को डिफरेंट मीनिंग में इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं ट्यूटोरियल गौर से देखें क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज तो शुरू करते हैं जितना आज का आई फैक्टना का लर्निंग वीडियो दोस्तों इंग्लिश के वर्ड चीफ जिसके स्पेलिंग होते हैं सी एच आई ई एफ चीफ का मीनिंग होता है सरबरा हाकिम अध्यक्ष कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तो उस वक्त भी हम चीफ का वर्ड यूज़ करते हैं परिमुख को चीफ कहा जाता है चलो अब वर्ड चीफ को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं जिस तरह मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा कौन है बॉस कौन है सरबराह कौन है तो मैं पूछूँगा हु इज़ द चीफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हु इज़ द चीफ ऑफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ द चीफ ऑफ द पार्टी तो इस तरह हम सरबराह के लिए बॉस के लिए चीफ के वर्ड को यूज़ करते हैं हु इज़ द चीफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन अब देखते हैं कि अगर हमने कहना हो कि चीफ को इम्पॉर्टेंट के मीनिंग में यूज़ करना है अहम के मीनिंग में यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक और सेंटेंस बनाते हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ द चीफ इन्ग्रीडियट ऑफ ऑफ इट या ऑफ दिस फार्मूला इज़ मिसिंग और कहते हैं यार ये जो है हमने सोलूशन बनाया है ये काम क्यों नहीं कर रहा या फिर खाना इतना बदमज़ा क्यों है तो मैं कहता हूँ यार जो इसका अहम इन्ग्रीडियंट है इस फार्मूला का वो मिसिंग है द चीफ इन्ग्रीडियट ऑफ दिस फार्मूला इज़ मिसिंग इसी तरह हाँ आपको पता है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके भी एडिटर्स होते हैं और उनका जो सबसे बड़ा बॉस होता है उसे एडिटर इन चीफ कहा जाता है तो हम कह सकते हैं कि ही इज एन एडिटर जिससे मैं कह सकता हूं कि ही इज एन जिस इज एन एडिटर इन चीफ चीफ एडिटर ब्यूरो एडिटर कुछ भी कह सकते हैं ही इज कर देते हैं ही इज अ चीफ एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज पेपर के वो एक मुकामी अखबार का एडिटर इन चीफ है चीफ एडिटर है सबसे बड़ा चेक करने वाला है दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड चीफ के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे टाइम हुआ है एक्सरसाइज का तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड चेफ़ को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर दें मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.